हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मोलाइसिस। सो प्लाज्मोलाइसिस समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर मैंने 3 सेल्स दिखाए गए हैं, जिसके अंदर से पहला सेल तो पूरा स्वेल्ड अप है, जिसे हम कहते हैं टर्जिट सेल। ठीक है, और ये जो सेल दिखाई दे रहा है दैट इज़ द प्लाज्मोलाइट सेल। मतलब ये जो है वो सिकुड़ सा गया है कुछ। ठीक है, अंदर आप देख रहे हैं ये कुछ सिकुड़ सा गया है, बिकॉज इसके अंदर से जो H2O है वो बाहर चला गया है। मतलब इसके अंदर का जो वाटर है दैट इज़ गोन आउटसाइड। यहाँ पर ये तीनों सेल जो ले रखे हैं, दीज आर प्लांट सेल्स। ठीक है, दीज आर प्लांट सेल्स, और प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर हमारे प्लांट सेल्स के अंदर ही दिखती है हमको। यहाँ पर एनिमल सेल्स हमें नहीं लेने, यहाँ प्लांट सेल्स की बात हो रही है, बिकॉज प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। और सेल वॉल एक रिजिड वॉल होती है, मतलब वो डेड होती है। सेल वॉल के कुछ आपको मैं इम्पोर्टेंट जो है उनके फीचर्स बताऊं सेल वॉल के, तो सबसे पहले तो वो डेड होती है, और उनके अंदर से वाटर सप्लाई में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब वाटर को वो अपने अंदर से पास होने देती हैं। ठीक है, वो वाटर को ब्लॉक नहीं करती, तो इजीली वाटर आउटसाइड जा सकता है और इनसाइड आ सकता है सेल वॉल के। ये बात आपको याद रखनी है। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। मतलब ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है जिसके अंदर सेल को रखा गया है, सो दिस सॉल्यूशन, ये हाइपरटोनिक है इस केस के अंदर, आइसोटोनिक है इस केस के अंदर, और हाइपोटोनिक है इस केस के अंदर। अब इस केस के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो सेल के इनसाइड का जो वाटर है वो बाहर आने लगता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस पढ़ा है आपने? ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन होने की वजह से, यहाँ पर हाइयर और यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन होने की वजह से वाटर जो है वो बाहर चला गया। ठीक है, तो जब वाटर बाहर जाता है तो सेल का अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब सेल वॉल तो सिकुड़ेगी नहीं, बिकॉज इट इज़ हार्ड, इट विल नॉट श्रिंक एट ऑल, बट जो अंदर का जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है दैट श्रिंक्स। और यही डेफिनेशन होती है प्लाज्मोलाइसिस की, दैट श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन है, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल। आइसो का मतलब होता है इक्वल। कहीं पर भी आपको बायोलॉजी में आइसो वर्ड दिख जाए वहाँ पर उसका मतलब होता है सेम। हाइपर दिख जाए उसका मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि हाई, और हाइपो दिख जाए उसका मतलब होता है लो। सो दीज आर द सर्टेन टर्म्स दैट आर यूज्ड इन बायोलॉजी। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम रखेंगे, मतलब जो बाहर जो है वो वाटर ज़्यादा है, अंदर कम है, सो बाहर से वाटर जो है वो अंदर आएगा, अंदर आने की वजह से सेल जो है
वो स्वेल हो जाएगी। स्वेल मतलब उसके अंदर अकोमोलेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होने की वजह से रिजिड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।